हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको श्री रेणुका शुगर पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, जिसको हम फंडामेंटली वे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले कंपनी पे बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, ये एक एग्रीकल्चर बिजनेस, मतलब उसमें भी जुड़ी हुई है और साथ में एक बायो एनर्जी कंपनी भी है। ये कंपनी शुगर प्रोड्यूस करती है और बायो एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो इसका मेन काम है वो शुगर का है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की जो शुगर में है, जो शुगर प्रोड्यूस करती है उसमें इंडिया की ये सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया में इसकी 7 मिल्स है और साथ ही में जो बाहर ब्राज़ील में वहाँ पर भी इसकी 4 मिल्स है। तो ये इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी इसका काम धंधा फैला रही है। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कंपनी में ऐसा क्या है कि इसका शेयर प्राइस 1 महीने में 150% का इन्होंने रिटर्न दिया है, 1 वीक में इन्होंने 25% का रिटर्न दिया है और 1 साल में इन्होंने 250% का रिटर्न दिया। तो 1 से 1.5 महीने में ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि इसका शेयर प्राइस इतना ज़्यादा भाग गया है। तो यहाँ पर टोटली सिर्फ एक ही न्यूज़ पर डिपेंड है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल का मीनिंग आपको पता होगा और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी उत्तम शुगर पे, तो वहाँ जाके आप पूरा मीनिंग देखिए कि इथेनॉल होता क्या है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है शुगर कंपनी पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप जो उत्तम शुगर है उसका जो शेयर एनालिसिस है तो वहाँ जाके आप देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। तो अब बात करते हैं कि इस कंपनी में इथेनॉल से ऐसा क्या लेना देना। तो ये जो कंपनी है वो इथेनॉल हर दिन का 430 किलोलीटर पर डे बनाती थी, लेकिन अब ये कंपनी 1400 किलोलीटर पर डे इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है, जो बहुत बड़ी बात है, डबल का भी डबल है। इस कंपनी ने पहले इन्होंने 430 से 760 किलोलीटर पर डे बनाने लगी, उसके बाद 970 किलोलीटर पर डे बनाने लगी और अब 1400 किलोलीटर पर डे बनाने लगी। और ये इथेनॉल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है क्योंकि ये पेट्रोल में ब्लेंड की जाएगी, जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसकी पूरी डिटेल्स आप उत्तम शुगर वाली जो शेयर एनालिसिस है वहाँ पे जाके देखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मेन रीज़न क्या है, कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज़्यादा क्यों भाग रहा है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8790.66 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर आप शुगर कंपनीज में देखो तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी शेयर का है। मैंने आपको पहले बोला इंडिया की सबसे बड़ी शुगर कंपनी है ये। इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 20.67 है, लेकिन कंपनी का पी देखोगे तो 158.85 है। तो इंडस्ट्री के पी से इतना ज़्यादा क्यों है, इसका पी अभी बड़ा है क्योंकि जो शेयर प्राइस इतना ज़्यादा भाग चुका है ना, इसके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए इस कंपनी का पी इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इसकी बुक प्राइस अगर आप देखोगे तो इसकी बुक प्राइस 40.89 है, मतलब कि ये इतने टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है क्योंकि इसका जो करंट वैल्यू है ना वो खुद 41 के बीच में है। इसकी बुक वैल्यू माइनस में है, -3.12, जो बहुत ही अलग बात है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू माइनस में है।
अब इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज है 57.63, मतलब कि इतने परसेंटेज में शेयर्स लोगों ने उठाए हैं। अब इसका बीटा है 0.55, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर चढ़ता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी 0.55 के बीटा से चढ़ेगा। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 7082 करोड़ का था, जो 2019 में गिरा है 4072 करोड़, 2020 में फिर से इंक्रीज हुआ है 7075 करोड़, और 2021 में 5069 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ऊपर नीचे गिर रहा है, कभी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की आप लॉस देखिए, यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है 2018 में, 2019 में भी, 2020 में कंपनी ने थोड़ा सा मुनाफा कर लिया है, और उसके बाद 2021 में यहाँ पर कंपनी ने फिर से लॉस किया है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने लॉस किया है पहले, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत लायबिलिटी है, और उसके बाद कंपनी को जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, और कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी है, उस वजह से यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है। लेकिन आगे क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कंपनी की, प्रमोटर के पास 62.48% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.04% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 19.65% का स्टेक है, पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास 17.82% का स्टेक है, और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इनके पास 0.01% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी के पास 62.48% का स्टेक है, कंपनी के पास पिछले एक दो क्वार्टर पहले 59% का स्टेक हुआ करता था, उसमें से भी कंपनी ने प्लेज किया हुआ था। अभी एक क्वार्टर पहले ही कंपनी की जो 25% या इतना कुछ प्लेज वाले शेयर्स है उसको अनप्लेज किया है, और अभी ये पूरी होल्डिंग प्रमोटर की है। तो ये जो प्रमोटर ने अपने सारे शेयर्स अनप्लेज किए हैं और अपनी जो होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी पता पड़ता है कि कंपनी में कुछ होने वाला है और कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर सितंबर 2020 में कंपनी का सेल्स था 1596 करोड़ का, जो दिसंबर में डिक्रीज़ हुआ है, जो मार्च में भी डिक्रीज़ हुआ है 1387 और 1320। तो यहाँ पर कंपनी की टॉप लाइन हर क्वार्टर डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर देख लीजिए वो भी कंपनी का बहुत ज़्यादा है, कंपनी का इंटरेस्ट देख लीजिए तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ टाइम होता है कि कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो इथेनॉल है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करे कंपनी, आज नहीं तो कल कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ से और भी ऊपर जाने वाला है। उसी लिए लोग अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो भी लोग उसे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो देखिए, सितंबर में 104 करोड़ था, दिसंबर में 141 करोड़, वो भी माइनस में था, लॉस में थी कंपनी, और मार्च में कंपनी का लॉस डिक्रीज होके -44 करोड़ पे आया है। तो ये कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं यार रिटर्न रेशोज़ की, तो जैसे कि कंपनी का आरओई देखिए, मार्च 2020 में जो माइनस में थी वो अभी ज़ीरो पे आ गई है, ये एक बढ़िया बात है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर कंपनी पॉजिटिव, मतलब कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी पे जो रिटर्न देती है वो शायद देने लग जाए।
अब यहाँ पर बात करते जो ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो माइनस में था 2 साल से, वो इस बार 21.92% का रिटर्न दे रहा है। कितनी बढ़िया बात है, जो जो कंपनी माइनस में थी, जिसका जो कैपिटल है कंपनी, उस कैपिटल को कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट देती है, उस पर रिटर्न देती है, जो माइनस में थी वो इस बार 21.92% का रिटर्न दे रही है। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए, मार्च 2020 में कंपनी 31.44% का रिटर्न देती थी और अभी -1.68% का रिटर्न। तो यहाँ पर कंपनी जो रिटर्न रेशोज है वो थोड़े से ऐसे नहीं कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन है कंपनी के रिटर्न रेशोज ऐसे। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो यहाँ पर कंपनी, मैंने पहले ही आपको बोला कि कंपनी के पास लायबिलिटी भरपूर है। तो यहाँ पर मार्च 2020 में -2.57 का डेट था और अभी -16.54। तो यहाँ पर कंपनी का डेट और भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो भी साथ में इंक्रीज हुई है, -0.26 से 1.13 पे आया है। तो ये एक बढ़िया बात है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। जो 5 ईयर हाई है कंपनी का वो था 39.35 और अभी करंटली जो मार्केट प्राइस है कंपनी का वो है 41.30। आज भी कंपनी 4.96% ऊपर थी, 1.95 रुपीज़ ऊपर थी, कंपनी ने अपर सर्किट मारा है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या कंपनी और भी ऊपर जाएगी, जिस हिसाब से ये एक मार्केट लीडर है। साथ ही में जो इथेनॉल का प्रोडक्शन इन्होंने इंक्रीज किया है और इथेनॉल कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है, तो उस वजह से हो सकता है इसका जो शेयर प्राइस आज जो 41.30 दिख रहा है वो 1-2 साल बाद ये नहीं दिखे, इससे बहुत ऊपर होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है इस शेयर में, तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चला गया है, हो सकता है ये यहाँ से और ऊपर जाए तो आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन अगर मार्केट में होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, एक ही महीने में इसने 150% का रिटर्न दे दिया है, तो प्रमोटर या कुछ लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग अपना इसमें से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसमें से अपना स्टेक निकालते हैं, तो शायद इसका जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा नीचे आ सकता है। बाकी अगर कंपनी के हिसाब से देखें, क्योंकि कंपनी में अब ग्रोथ भी दिख रही है, कंपनी का जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होने वाला है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होने वाली है, सब कुछ अब अच्छा होने वाला है इस शेयर में। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो बहुत ही ध्यान से इस शेयर में एंट्री करना, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, थैंक यू।